Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of SC Verma solution and we are solving the numerical problems of chapter 3, that is electricity. And in this video, we are going to deal question number 1 to 5. So let's begin with the video. Question number 1, when a particle of charge 10 microcoulomb is brought from infinity to point P, 2.0 millijoule of work is done by external force. What is the potential at point P? ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पहले समझते हैं. What the question is saying, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे किसी 10 कूलम चार्ज को, 10 माइक्रो कूलम चार्ज को हम लोगों को लाना है. ठीक है, 10 माइक्रो कूलम चार्ज को हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेकर के आ रहे हैं और उसको लाने में जो वर्क डन हो रहा है दैट इज 2.0 मिली कूलम. ठीक है, सॉरी मिली जूल. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. ए चार्ज दैट इज 10 माइक्रोकूलम. ठीक है, किसी 10 माइक्रोकूलम के चार्ज को हम लोग एक इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी तक उसको लेकर के हम आ रहे हैं और वो जो 10 माइक्रोकूलम है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू 10 टू द पावर 6 माइक्रो को हम लोग वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पे, देन वी विल गेट 10 टू द पावर माइनस 6. ठीक है, माइक्रो को इवैल्यूएट करने के बाद 10 टू द पावर यहाँ पे माइनस 6 मिलेगा. सो द चार्ज इज 10 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम. वर्क डन इज 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे मिली जूल दिया हुआ है. सो मिली को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. So we will get work done is 2 into 10 to the power minus 3 joule. Using the formula of potential, we will calculate the potential at point P. So V is equal to work done per unit charge. ठीक है, potential का ये formula है work done per unit charge. ठीक है, work done is 2 into 10 to the power minus 3 joule and charge is 10 into 10 to the power minus 6 coulomb. ठीक है, ये मेरा charge है. We will calculate this and we will get 2 into 10 to the power 2 वोल्ट. ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 200 वोल्ट. सो जो पोटेंशियल लगा इस 10 माइक्रोकूलम चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में, दैट इज 200 वोल्ट. द पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी 200 वोल्ट. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज ऑफ 0.02 कूलम फ्रॉम ए टू बी इफ पोटेंशियल एट ए इज 20 वोल्ट एंड दैट एट बी इज 30 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो है वो बी है. ठीक है, किसी 0. ठीक है, ये मेरा कोई चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.02 कूलम. ठीक है, 0.02 कूलम चार्ज है. इस चार्ज को हम लोगों को पॉइंट ए से लेकर के कहाँ जाना है, पॉइंट बी तक. ठीक है, और पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है दैट इज 20 वोल्ट और पॉइंट बी पे जो हमारा पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है दैट इज 30 वोल्ट. ठीक है, तो इस चार्ज को हम लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जाना है. ओके, तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल, व्हाट विल बी द वर्क डन. ठीक है, वर्क डन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी इट्स वर्क डन. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो द सॉल्यूशन हियर इज, चार्ज इज 0.02 कूलम. ठीक है, चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0.02 कूलम. वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट. पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 20 वोल्ट और बी पे हमारा पोटेंशियल है दैट इज 30 वोल्ट. Now we will calculate the potential difference. 30 minus 20 will be 10 volt. ठीक है, potential difference मेरा कितना आ गया, 10 volt. और हम लोगों को find out करना है what is the work done. So we will calculate what is the work done. ठीक है, work done यहाँ पे है, जैसे
V it is given 10 volt. अभी हम लोग calculate यहाँ पे किए कि V मेरा कितना आया 10 volt. Work done we have to calculate and charge it is given that 0.02. ठीक है, तो work done will be equal to 0.02 into 10. ठीक है, cross multiply हो जाएगा, so work done will be 0.2 जूल. ठीक है, जो work done आया मेरा इस charge को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ, जो हमारा वर्क होगा, दैट विल बी 0.2 जूल. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 10 मिनट्स इफ द करंट थ्रू इट इज 2.5 एम्पीयर. ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई वायर है, लेट इट बी द वायर, और 10 मिनट्स तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, 10 मिनट्स तक करंट फ्लो हो रहा है, तो आई विल बी, और कितना करंट फ्लो हो रहा है 10 मिनट्स तक, दैट इज 2.5 एम्पियर. सो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि चार्ज कितना इसमें फ्लो करेगा, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन 10 मिनट्स. ठीक है, करंट तो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है और हम लोगों को टाइम भी पता है कि कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 2.5 एम्पियर. टाइम टेकन बाय द वायर वो है 10 मिनट. 10 मिनट तक जो है करंट फ्लो कर रहा है, वी विल कन्वर्ट इट इन टू सेकेंड. ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 600 सेकंड्स हो जाएगा. यूजिंग द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारा एक फॉर्मूला है. करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम लोग क्या किए यहाँ पे इवेल्युएट किए, मीन्स क्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग आई इंटू टी कर देंगे. ठीक है, आई इज 2.5 एंड द टाइम टेकन इज 600 सेकंड्स. तो चार्ज जो इस वायर में फ्लो कर रहा है, दैट इज 1500 कूलम चार्ज. ठीक है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 1500 कूलम. ठीक है, 1500 कूलम चार्ज जो है उस वायर में फ्लो किया, अगर 10 मिनट्स तक 2.5 एम्पीयर का करंट उसमें फ्लो हो रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 4, ए 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम रेसिस्टर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन 2 मिनट्स. ठीक है, ये कह रहा है कि एक 2 वोल्ट का जो सेल है उसको हम लोगों ने किसी 1 ओम के रेसिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, 1 ओम के रेसिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है, अगर 2 मिनट तक के लिए उसमें करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये मेरा जो सेल है दैट इज ऑफ 2 वोल्ट एंड दिस इज रेसिस्टर ऑफ 1 ओम. ठीक है, तो 2 मिनट्स के लिए अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो. ठीक है, हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. गिवन दैट वोल्टेज इज 2 वोल्ट. ठीक है, वोल्टेज 2 वोल्ट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, रेसिस्टर इज 1 ओम और जो टाइम है दैट इज 2 मिनट्स. 2 into 60 विल बी 120 सेकेंड्स, यानी 120 सेकेंड्स के लिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है. सो वी विल फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट व्हाट इज द करंट इन दिस होल सर्किट. ठीक है, तो वी बाई आर हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर. सो 2/1 दैट इज 2 एम्पियर, यानी इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 2 एम्पियर. ओके, यूजिंग द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू I इंटू टी, अभी हम लोग फॉर्मूला को यूज किए थे पिछले क्वेश्चन में. सो I इज 2 एम्पियर इंटू टाइम दैट इज 120 सेकेंड्स. सो वी विल गेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 240 कूलम. ठीक है, और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज. हिज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 240 कूलम चार्ज विल बी 240 ÷ 1.6 × 10⁻¹⁹. सो यहाँ पे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना मिला, दैट इज 1.50 × 10⁻²⁰ इलेक्ट्रॉन्स. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने इसे लिखा है. तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस सर्किट के थ्रू जो है वो फ्लो कर रहे हैं.
Question number 5, the amount of charge passing through a cell in 4 seconds is 12 coulomb. ठीक है, 4 सेकंड में 12 कूलम चार्ज जो है किसी सेल से फ्लो कर रही है. What is the current supplied by the cell? ठीक है, I हम लोग को फाइंड आउट करना है, सिंपल. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. यहाँ पे बिल्कुल सिंपल साइज का सॉल्यूशन है, दैट इज टाइम टेकन इज 4 सेकंड एंड चार्ज इज 12 कूलम. सिंपल हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, I is equal to Q by T, Q is 12, T is 4, so we will get 3 ampere. Thus the current supplied by the cell is 3 ampere. If you have any problem, any calculation related confusion, please comment in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.